नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ चेतना मनकोटिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काशी में चल रही G20 की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि विकास को बनाए रखना सामूहिक जिम्मेदारी है, भारत अपने अनुभव बांटने को तैयार है, पर्यावरण पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, हम नदियों पेड़ों का सम्मान करते हैं। पीएम मोदी ने G20 की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे प्रयास व्यापक, समावेशी, निष्पक्ष और टिकाऊ होने चाहिए। भारत में हमने 100 से अधिक आकांक्षी जिलों में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास किए हैं जो अविकसित थे। साथ ही पीएम ने कहा कि मुझे खुशी है कि G20 का विकास एजेंडा काशी तक भी पहुंच गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रतापगढ़ पहुंचे, जहां केंद्रीय मंत्री और सीएम योगी ने प्रतापगढ़ को 2150 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। वहीं सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रतापगढ़ के किसानों ने आंवले की मिठास को देश भर में पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर आंवला को प्रतापगढ़ से ODOP में शामिल किया गया है। सीएम ने कहा कि आज प्रतापगढ़ से अयोध्या सुल्तानपुर तक जोड़ने वाले राजमार्ग को 4 लेन बनाने की शुरुआत हो गई है। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि यूपी की बेहतर कानून व्यवस्था की पूरे देश में चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 8 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। प्रतापगढ़ अयोध्या को 4 लेन करने की शुरुआत हो गई है और अयोध्या में राम मंदिर भी अगले वर्ष बनकर तैयार हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात बिपरजॉय से निपटने को लेकर की गई तैयारियों की आज समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राहत और बचाव कार्य को लेकर अलर्ट रहने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने पीएम को बताया कि गुजरात के दक्षिण और उत्तरी तटों पर मछली पकड़ने की गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया है। गंभीर चक्रवाती तूफान के सौराष्ट्र कच्छ तटों के साथ टकराने की संभावना के मद्देनजर लोगों को समुद्र से निकाल रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि अब तक करीब 1300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दरअसल चक्रवाती तूफान बिपरजॉय आने वाले समय में विकराल रूप धारण करने वाला है। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने कांगड़ा में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि भाजपा देश की अकेली पार्टी है जो विचारों पर चलती है, बाकी सभी दल वैचारिक रूप से शून्य हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कुर्सी के लिए ये दल किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार है। आज तो CPM और कांग्रेस भी हाथ मिलाकर चुनाव में उतरते हैं, कहां गए इन दोनों के विचार, लेकिन भाजपा ऐसी नहीं है। नड्डा ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले भ्रष्टाचार से युक्त सरकार में घोटाले ही घोटाले थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्कैम से निकलकर स्कीम वाली सरकार देश में बनी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मेघवाल ने कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद 231 सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की मूर्तियों को वापस लाया गया है, जिन्हें पूर्व में चोरी कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि ये देश के सांस्कृतिक गौरव को वापस लाने का कार्य था जो अब भी जारी है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी देश की सांस्कृतिक विविधता को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस जैसे दल सिंगोल पर विवाद खड़ा कर इस मुहिम को प्रभावित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अब ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस के सभी आरोप बेबुनियाद और बिना किसी ठोस आधार के लगाए गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 150 से ज्यादा वेबसाइट और YouTube आधारित न्यूज चैनल्स को बैन कर दिया है। वर्ष 2021 में चल रही इन वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगाने को लेकर मंत्रालय का कहना है कि ऐसा इसीलिए किया गया है क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स पर पिछले 2 वर्षों से भारत विरोधी कंटेंट पेश किया जा रहा था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिन चैनलों को हटाया गया उनमें खबर विद फैक्ट्स, खबर तेज, इंफॉर्मेशन हब, फ्लैश नाउ, मेरा पाकिस्तान, हकीकत की दुनिया और अपनी दुनिया जैसे चैनलों के नाम शामिल हैं। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए युवाओं और बच्चों के धर्मांतरण का रैकेट चलाने के आरोपी शाहनवाज उर्फ बत्तों को आज ठाणे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी की
ट्रांजिट रिमांड की मांग को 15 जून तक मंजूर करते हुए उसे यूपी पुलिस के हवाले करने का आदेश दिया। यूपी पुलिस आरोपी को लेकर गाजियाबाद जाएगी, जहां उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि 30 मई को गाजियाबाद पुलिस ने धर्मांतरण मामले का खुलासा किया था और रिपोर्ट दर्ज की थी। 11 जून को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से उसे गिरफ्तार किया है। कश्मीर घाटी में सेना ने आतंकियों और पड़ोसी देश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की बड़ी साजिश का भंडाफोड़ किया है। सेना की जांच में पता चला है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों के आका और ISI घाटी में आतंकियों तक हथियार और संदेश पहुंचाने के लिए महिलाओं और किशोरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह ओझला ने जानकारी देते हुए कहा है कि सुरक्षा बलों को अब और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP आज 3 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। प्रमुख विकास संकेतक 2023 में ये 3.75 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, जो 2014 में लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के कार्यालय ने एक ट्वीट में इसकी पुष्टि की। ट्वीट के अनुसार इस तरह भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत को अब वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक उज्जवल स्थान के रूप में जाना जाता है। भारत में कृषि आधुनिकीकरण के चलते रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। उर्वरक विभाग ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि 5 वर्षों के दौरान 4 प्रमुख उर्वरकों की खपत में 22 से 24% की वृद्धि हुई है, तो पिछले वर्ष 25% तक उत्पादन बढ़ा है। वहीं अगले 2-3 वर्ष में भारत उर्वरकों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अनुसार 2019-20 में यूरिया की मांग 335.26 लाख टन थी, जबकि उत्पादन सिर्फ 244.55 लाख टन था। लेकिन देश के 4 बड़े सिंदरी, गोरखपुर, बरौनी एवं रामागुंडम के उर्वरक प्लांट फिर से शुरू होने के कारण देश का उत्पादन अब 240 से 280 लाख टन हो रहा है। भारतीय शेयर बाजार को लेकर विदेशी निवेशकों का सकारात्मक रुख बना हुआ है। जून महीने की शुरुआत से लेकर अब तक मजबूत ग्रोथ और आकर्षक वैल्यूएशन के कारण शेयर बाजार में विदेशी निवेशक 9,800 करोड़ का निवेश कर चुके हैं। डिपॉजिटरीज की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 1 जून से 9 जून तक FII द्वारा 9,788 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जबकि मई में 43,838 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था, जो कि पिछले 9 महीनों में विदेशी निवेशकों द्वारा बाजार में किया गया सबसे बड़ा निवेश था। क्रिकेट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बाद अब ICC ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम पर कड़ी कार्रवाई की है। स्लो ओवर रेट के लिए टीम इंडिया पर मैच फीस का 100% जुर्माना लगा। वहीं जीत दर्ज करने वाली ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की जेब भी ढीली हुई। ऑस्ट्रेलिया का भी ओवर रेट धीमा था। ICC ने कंगारू टीम पर मैच फीस का 80% जुर्माना लगाया है। शुभमन गिल को भी कैच आउट को लेकर किए गए सोशल मीडिया पोस्ट की सजा मिली है। उन पर अलग से भी 15% मैच फीस का जुर्माना लगाया गया है।